खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मसीही आवाज़ टीवी और एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी जो है वो खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के एक नवाही इलाके में एक मसीही नौजवान जो है वो भट्टे में जो है वो चल कर राख हो गया है। अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दो मौकफ जो है वो सामने आए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उसे जिंदा चलाया गया है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो रात को भट्टे पर ईंटें लेने गया और उसका पांव फिसल गया और भट्टे में जा गिरा। अब ये सवाल पैदा होता है कि इतनी रात गए भट्टे पे, वो ईंटें जो भट्टे से काफ़ी दूर होती हैं वहाँ से उठाने गया और वो कैसे जो है वो भट्टे में जो है वो गिर गया। अभी तक पुलिस इस वाक़े की छानबीन कर रही है, लेकिन मुकामी लोग इस वाक़े के बारे में जो है वो बात करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त है कानून नाफज करने वाले इदारों से, अगर इस मसीही नौजवान को साजिश के तहत कत्ल किया गया है तो मुकदमा दर्ज किया जाए और मुलजमान को करार वाक़े सज़ा दी जाए, ताकि पाकिस्तान में बसने वाले मसीही और दीगर मजहबी अकलियतों के तहफ़ को यकीनी बनाया जा सके। और अगर ये वाक़या है तो उसकी भी पूरी तफसीली इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुकम्मल हकायक जो है वो मसीही कौम और पाकिस्तानी कौम के सामने जो है वो रखे जाएँ। मेरी दरख्वास्त है कि आप जो इस मसीही आवाज़ टीवी चैनल्स को देख रहे हैं इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों के लिए, उनके जानो माल के तहफ़ के लिए दुआ करें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक मसीही आवाज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, ताकि खुदा के कलाम और इस तरह की खबरें और वाक़ियात जो हैं वो आप तक पहुंचाए जा सकें, ताकि आप हर खबर के साथ जुड़े रहें और बाखबर रहें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। खुदा मंद आपके साथ हो। आमीन।